ओके, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द वाट एवर वी हैव रिमेनिंग अबाउट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वी हैव सीन पार्ट वन एंड नाउ इट्स गोइंग अप टू पार्ट टू. सो हियर आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक. एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2^(1/3) देन फाइंड द नंबर्स. हम लोगों को क्या किया है कि उनका जो नंबर्स हैं उनका सम जो होगा उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है ना. तो हमें वो नंबर क्या है उसको फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी डू फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन. सपोज वी एज्यूमलेट द नंबर बी एक्स. हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो क्या है एक्स है एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/x. ऑब्वियस सी बात है कोई नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x. तो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोलता है सम ऑफ नंबर जो नंबर का सम है प्लस उसका रेसिप्रोकल लें तो किसके इक्वल होगा 2^(1/3) के इक्वल होगा. तो यहाँ पर हम लोगों का नंबर x है उसका रेसिप्रोकल 1/2 है इसका सम किसके इक्वल है 2^(1/3) के इक्वल है. ठीक है तो अब ये क्या होगा इसको सॉल्व कीजिए. एलसीएम x आ गया एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 32 + 60 + 1 = 61/30. क्लियर है सबको आता है ये. ठीक है अब क्या होगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. सो क्या हो जाएगा 30x² + 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ प्लस 61 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ. तो क्या हो गया 30x² + 30 - 61 = 0. मैंने क्या किया इसको इस साइड ले लिया और इसको 0 के इक्वल कर दिया. सो हियर वी हैव गॉट व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हियर द पावर ऑफ एक्स इज 2. ठीक है अब क्या किया अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन हम लोगों का फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया 30x² - 61x + 30. तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड देखा है तो उसमें क्या होता है कि आप जो सी और ए है उसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए. 30 × 30 कितना आ गया जी हमारा 900 आ गया. अब इस 900 को आपको ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है प्लस करो या माइनस करो ऐड करो या मल्टीप्लाई सॉरी माइनस सबस्ट्रैक्ट करो कितना आना चाहिए माइनस 61 आना चाहिए. तो हमारे दो फैक्टर क्या मिल रहे हैं 36 और 25. आप इसको कर लेना 900 को फैक्टराइज कर लेना. ठीक है जी तो ये हमारा ये हो गया. फिर अब क्या है हमारा अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आप क्या कर सकते हो 30, 36, 25, 30 इस टाइप से दिया हुआ है. तो इन दोनों में आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों का 6 कॉमन निकल सकता है. ठीक है या 6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो होगा. तो मैंने क्या किया 6x को यहाँ से कॉमन निकाल दिया. 6x कॉमन निकालने के बाद क्या बचा मेरा 5x - 6. अब इसको करके देखिए 6 × 5 = 30x × x² सेम आया. इसको करके देखिए −6 × 36 - x × x तो क्या होगा −36x. इस तरह से ये हो जाएगा. इसमें क्या दिख रहा है जी आपको 5 कॉमन लग रहा है 5 को आप बाहर निकाल दो इसमें. ठीक है 5 को हम लोग निकालते हैं तो क्या आता है हमारा 5x - 6 = 0. तो अब हमारे दो फैक्टर क्या मिल गए एक तो 5x - 6 मिल गया और दूसरा क्या मिला 6x - 5. ठीक है तो अब इसके सॉल्यूशन निकल जाएंगे दोनों को 0 को इक्वल करो आप तो x = 6/5 मिल गया और दूसरा मिल गया 5/6. तो ये हमारे दो नंबर मिल गए जो हमको फाइंड आउट करना था. क्लियर है ओके. नाउ व्हाट वी हैव गिवन द नेक्स्ट थिंग इज सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. कोई भी हम लोगों को क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर फाइंड आउट करके उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो देखिए कैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं इससे समझ में आएगा आपको. सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 6x = 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. जब आपको इस टाइप से बोलेगा कि पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन देगा बाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो आपको किस टाइप से सॉल्व करना है. ये आपका बुक का 75 नंबर पेज का 11th नंबर का एग्जाम्पल है मैंने लिया है.
तो इसमें देखिए हम लोगों को क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करना है, कुल मिला के सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में लाना है सबसे पहले। सो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स है तो इसको टू इंटू थ्री एक्स में लिख सकता हूँ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए अब टू इंटू थ्री एक्स हो गया तो क्या करेंगे इसमें, अब इसको टू ए बी इस टाइप से मैं मान रहा हूँ, मान लो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर थ्री मेरा बी बन रहा है ना, ए बोलो या बी बोलो, तो ए तो हमारा ऑलरेडी है तो इसको बी मान लो, तो बी मान लो तो क्या करूँगा मैं इसमें होल वर्ग बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री एक्स प्लस क्या है हमारा थ्री है, तो थ्री का स्क्वायर को मैं ऐड कर दूँ मान लीजिए, ठीक है। इसमें तो इधर भी क्या होगा, ये थ्री स्क्वायर होगा, दोनों साइड में करूंगा ना मैं जो भी करूंगा वो इक्वेशन के, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा, तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है ये, तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में ये आ गया है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जब आ गया तो आगे आपको क्या करना है, अब देखिए अब क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी क्या है हमारा थ्री, थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, ये आ गया। या इसको लिखूं एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट नाइन, ठीक है, या अंडर रूट नाइन को लिखूं सॉल्व करूं तो क्या होगा, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो ये क्या होता है, प्लस एंड माइनस में होता है थ्री, ठीक है, प्लस एंड माइनस में होता है। तो अब हमें क्या, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो आप, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस में ले रहे हैं तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू थ्री इसको इधर ले जाइए, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एक मिल गया हमें, जब हम लोग क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे। अब नेगेटिव ले लो आप तो नेगेटिव में क्या होगा, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री, अब माइनस ऑफ थ्री लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू इस थ्री को उधर ले जाइए, माइनस थ्री माइनस थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ये हमारा दूसरा निकल गया, ठीक है जी। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, दो फैक्टर हमारे निकल गए यहाँ पर, दो टर्म्स निकले हैं, जब एक बार प्लस लिए तब और एक बार माइनस लिए तब, है ना। तो इस तरह से आपको जो भी दिया रहेगा उसको इस तरह से सॉल्व करना है, क्लियर है। चलिए अब हमारा जो मेन है टॉपिक, एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, उसको देख लेते हैं। नाउ व्हाट वी हैव अ फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ वी हैव गिवन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सॉल्विंग दैट इक्वेशन। सो द फर्स्ट वन इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। दिस इज द फार्मूला जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स क्या है, उसके सॉल्यूशन है, रूट हैं जो निकलेंगे, तो हमें इस फॉर्मूला में उसकी वैल्यू रखना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें इस वैल्यू को आप रख दोगे तो आपके सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब देखिए, अब बात आती है डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसी को और मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन टू ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो अब जैसे कोई भी सॉल्यूशन हमारा दिया रहेगा तो उसके बोलेगा कि सॉल्यूशन निकालिए, सॉल्यूशन निकालिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में रख देंगे तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी।
या हमको पूछता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा वो निकालो, तो आपको इसमें पूरा माउंट वैल्यू नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालना है जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्लियर? ओके, अब देखिए कि ये जो रूट्स निकलते हैं हमारे उनका नेचर किस टाइप सा हो, किस टाइप का होगा। वाट एवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव गिवन, देन वाट अबाउट द नेचर ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, सो हाउ वी कैन एज्यूम दैट वी हैव अ थ्री केस, थ्री डिफरेंट केसेस वेयर वी कैन एज्यूम द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें यदि डी की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है, देन द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन विल बी इक्वल एंड रियल। उसके जो दो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे यदि डी इज इक्वल टू जीरो है तब। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, देन दैट मीन्स वॉट, एनी पॉजिटिव इंटीजर आर देयर, एट दैट टाइम वी हैव गॉट डिस्टिंक एंड रियल सॉल्यूशन। एंड द अनदर लास्ट वन केसेस इज वॉट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो दैट मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स ऑकर, देन द वैल्यू ऑफ दैट सॉल्यूशन इज डिस्टिंक्ट बट इमेजिनरी, द वैल्यू शुड बी इमेजिनरी। तो ये हमारे तीन कंडीशन हैं, इन तीन कंडीशनों के बेसिस पे हम लोगों को क्या है उसका सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के बुक का कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम लोग और उसको देखते हैं। चलिए आपके बुक का ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है हमें, सॉरी ये प्लस है, प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है आप लोगों का एग्जाम्पल 20। ठीक है, तो इसका हम लोगों को नेचर क्या होगा उसका निकालना है। तो नेचर निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए जी, डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये होता है। तो आप इसका कंपेरिजन आपका जो मेन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करके आप इस ए बी सी की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो। सो ए इज इक्वल टू वाज न कुछ नहीं है, मतलब ए है वन है, बी इज इक्वल टू वॉट, बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर, एंड सी इज इक्वल टू वॉट, सी इज इक्वल टू फोर। अब इससे क्या करो, आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर, बी इज वॉट माइनस फोर, माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए क्या है हमारा वन है, फिर क्या था सी, सी की वैल्यू कितनी है हमारी फोर। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करो, माइनस फोर का स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर बोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, फोर इंटू फोर कितना हो जाएगा सिक्सटीन, माइनस फोर इंटू वन फोर, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन एंड सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो होता है तो क्या होता है हमारा, अभी देखे हैं हम लोग, इक्वल एंड रियल है ना, सॉरी हाँ, तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसके बेसिस में अब जीरो आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट, तो जीरो आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी जो हम लोग को निकालना था, इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी जी, रूट्स आर इक्वल्स एंड रियल, ये आ गया। तो इस तरह से आपको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको आप उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो। तो ये हमारा इक्वल एंड रियल, क्यों, क्योंकि d इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब सपोज यदि मैं बोलूं कि इस इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए। ये सॉल्यूशन कैसे निकालना है, कैसे आता है, वो आपके बुक में दिया हुआ है, आपको डिराइव करने के लिए कभी नहीं आएगा तो इसलिए मैंने नहीं बताया, आप चाहो तो देख सकते हो एक बार, कुछ समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछ सकते हो, है ना। तो अब क्या करो, सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो एक्स है इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी, माइनस बी कितना है जी हमारा माइनस फोर, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए, ए वन, सी कितना है फोर अपान टू इंटू ए, ए की वैल्यू वन। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट ऑफ
बी स्क्वायर की इसकी वैल्यू अभी यहाँ पे निकाले हैं हम लोग, कितना आया है जी, 0/2, तो ये कितना आ जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये हो क्या हो गया हमारा, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालने को बोलेगा तो सॉल्यूशन निकालिएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालने को बोलेगा तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा। क्लियर है? आपके बुक में और कुछ डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल दिया है क्या, देख लेते हैं। ओके, एक और चीज़ है आपके बुक में, उसको भी देख लीजिए, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या दिया है जी आपका, फॉर्मेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रूट आर अननोन। फॉर्मेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर नोन। यदि हम लोगों को रूट्स दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं कोई सा भी और देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने, मैंने उठा लिया एग्जाम्पल 26 क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3n-8। क्या बोल रहा है जी, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3n-8। ये हमारा दिया हुआ है, इसके दो रूट्स दिए हुए हैं 3n-8। तो अब देखिए यहाँ पर एक फंडा आप लोग और जान लीजिए कि जैसे कोई इस तरह से बोला हम लोगों को रूट, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एक चीज होता है, वो है पहला सम ऑफ रूट, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जैसे मैंने इसके दो रूट ले लिए अल्फा एंड बीटा मान लीजिए, ठीक है, कि जो सॉल्यूशन ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके दो रूट्स जो निकल रहे हैं, सॉल्यूशन निकल रहे हैं, वो अल्फा और बीटा हैं। तो यदि इनका मैं सम करता हूँ और यदि इनका, इन रूट्स का मैं प्रोडक्ट करता हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इसको आप नोट डाउन करो, है ना। तो यदि मैं इसका सम करता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मैं करूं, तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें से क्या हो जाता है, -b/a, ये होता है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ से -b/a, और जब प्रोडक्ट करूं तो क्या होता है, ये c/a, ये प्रोडक्ट है हमारा c/a। और इसको लेकर जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाए तो वो कैसे बनता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि बनाओ इसमें तो होता है x² + ये हो गया हमारा x² जो कोफिशियंट था ये हो गया प्लस सॉरी माइनस जो हमारे सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस चीज को आप करेंगे तो आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यही होता है हमारा फॉर्मेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, x² - sum of roots into x + product of roots = 0, ये चीज हमें करना होगा। तो अब हम लोगों को पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो इस तरह से आप दिए हुए इक्वेशन से निकाल लोगे, फाइंड आउट कर लोगे और इसमें पुट कर दोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3n-8। तो हम लोग मान के चलते हैं लेट टू रूट्स क्या क्या है हमारे, अल्फा, अल्फा को हम लोग क्या लिख लेते हैं जी, 3 हमारा दिया हुआ है,
और दूसरा रूट्स ले लेते हैं बीटा, ये कितना दिया है माइनस एट। ठीक है, दो रूट्स मिल गए हमारे। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हम लोगों को निकालना है। तो क्या करो आप, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे हम लोगों को क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता नहीं है, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें क्या करना है, सीधा जो रूट्स दिए हैं उनको प्लस कर दो और यहाँ पर प्रोडक्ट कर दो और वैल्यू को रख दो। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है जी हमारा 3 प्लस बीटा कितना है माइनस 8, ये हो गया इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 3 और बीटा कितना है माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस का माइनस 8, ये हो जाएगा x प्लस और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस और 8 3 या 24 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर 3 और माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 5, ये माइनस 5 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, निकल जाएगा। अब जैसे पूछता है कि इस तरह से दिया रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मान लो अब मैं बोलता हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन निकालो आप, सॉल्यूशन निकालो, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा जी आपका, आपका सॉल्यूशन निकालोगे तो वो फार्मूला में आप रख दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a में इसमें रख दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, चेक करके आप देख सकते हो, क्रॉस चेक करके वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, आपको कोई एग्जांपल या कोई क्वेश्चन दिए रहेंगे तो इस तरह से आपके बुक में सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन दिया था जो थोड़ा सा दिखने में अलग लग रहा है, बट है कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल 15 बता देता हूँ मैं आपको, आप लोगों का क्या है जी, ये एग्जाम्पल 15 दिया हुआ है, ये पेज नंबर कितना है आपका 83 का है। ठीक है, 83 पेज नंबर में एग्जाम्पल 15 दिया है, सॉल्व क्या दिया है, रूट ऑफ 6 प्लस इस रूट के अंदर में अगेन रूट है, ये कितना है 6 प्लस इसके रूट के अंदर में अगेन रूट है प्लस 6, इस तरह से दिया हुआ है, ये आपका एग्जाम्पल है, तो है ना। तो अब क्या करना है, आप इसको किसके x के इक्वल मान लो, लेट x इज इक्वल टू ये जो हमारा दिया हुआ है प्लस ये, ठीक है, इस तरह से जो दिया हुआ है उसको मान लो आप। अब क्या करो, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर ये हो गया और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का जब स्क्वायर होगा तो हमारा क्या बचेगा जी, यहाँ पे हमारा क्या करना है, रूट ऑफ 6 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इतने को क्या है, हम लोगों ने x मान लिया है ना, तो x का स्क्वायर रूट ऑफ 6 एक को उठा लो प्लस x लिख दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, दोनों को अलग अलग लिख दिया मैं यहाँ से। ठीक है जी, तो ये रूट में है तो ये रूट ऑफ x का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 6 प्लस रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर का एक्स हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो सबको, एक साइड ले आओ तो इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, इसको भी इधर लाओगे तो माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस भी प्लस माइनस वाला निकालो या फैक्टराइजेशन मेथड करो, आपको कुछ नहीं बोला है मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, फैक्टराइजेशन मेथड का भी उपयोग करके कर सकते हो या फिर आप फॉर्मूला वाला जो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a उसको भी लगा सकते हो आप,
कैसे भी करके आपको क्या चाहिए, एक्स के जो दो रूट निकलेंगे वो आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। तो इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल हैं सबको कवर करिए। इस वीडियो के साथ में आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या है जी, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है।